नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। कल्याण फैमिली को पीछे छोड़ हम आगे निकलते हैं, राग बिहाग देखते हैं। आज पिछली बार हमने मारू बिहाग की बात की थी और कहा था कि आगे बढ़ेंगे बिहाग के साथ और देखेंगे कि कहाँ भिन्नता है बिहाग और मारू बिहाग में। गाने से शुरू करते हैं। जो शुरुआत मैंने की थी वो मेरे ख्याल से बिहाग का सबसे पॉपुलर उदाहरण है, तेरे सुर और मेरे गीत। देखते हैं गाना। उसी ज़माने के और एक दो गीत थे जो बिहाग से बहुत मिलते थे, बिहाग पर आधारित थे। एक था उसमें तेरे प्यार में दिलदार, और एक गीत था हमारे दिल से न जाना। बिहाग बहुत ही रोमांटिक मिजाज का राग, ऐसे गीतों के लिए उसको यूज़ किया गया। आगे चल के देखते हैं बिहाग का चलन। पिछले हफ्ते हमने मारू बिहाग देखा था। मारू बिहाग और बिहाग दोनों के सुर एकदम समान हैं, दोनों चलते भी निसा गमा पानीसा है। दोनों ही दोनों मध्यम यूज कर रहे हैं, तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम, लेकिन उनका प्रोपोर्शन बहुत अलग है। मारू बिहाग में तीव्र मध्यम बहुत ज़्यादा प्रबल है, शुद्ध मध्यम कभी कभार लग रहा है, इसलिए मारू बिहाग कल्याण रागांग की ओर जा रहा है। बिहाग शुद्ध मध्यम प्रबल है, तीव्र मध्यम नहीं के बराबर है, और बिहाग फिर मिल रहा है बिलावल के साथ। बहुत बिलावल से मिलता जुलता है बिहाग और बिलावल थाटी के अंतर्गत इसको माना गया है। तो देखते हैं ये कैसे होता है फर्क। रे भी बहुत कम हो रहा है मारू बिहाग के कंपैरिजन में, और निशा जो आ रहा है रे को लेकर आ रहा है। आ
आरोह में ऋषभ है नी, निशा ग हो रहा है। ऋषभ धैवत दोनों कमजोर हो गए हैं, गंधार निषाद सामने आ रहे हैं। मग प प ग ये मींड है, यहां तीव्र मध्यम आ रहा है, छुपा हुआ है मींड में, पंचम से गंधार तक की मींड में। विहाग में तीव्र मध्यम पहले था नहीं, ये जो मींड के अंदर तीव्र मध्यम है पमागा, इसको जब खुला कर दिया गया तो ये बात हुई। लेकिन इतना खड़ा प्रयोग तीव्र मध्यम का आधुनिक रूप में है बिहार के, पहले नहीं था, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित हो गया है। ये है पूर्वांग बिहाग का, जिसमें दोनों मध्यम दिख तो रहे हैं लेकिन तीव्र मध्यम एकदम कमजोर है शुद्ध मध्यम के हिसाब से। ऊपर चलते हैं तो शुद्ध मध्यम लेके चलते हैं। और पहला धैवत जो लगता है गामा पधग, ये बिलावल वाली बात है। गामा पधग मगरिसा, फिर ऊपर चलते हैं गामा पानी सा, जो बिहाग का रूट है। और
धैवत ऋषभ दोनों एकदम कमजोर हैं, सो इतना ही धैवत लगेगा। कभी कभी ये प्रयोग भी थोड़ा सा शंकरा का आभास होता है, कभी कभार किया जाता है। बहुत रोमांटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, धुन स्वरूप सामने आ जाएगा। बहुत मधुर, अत्यंत मीठा राग है ये। बंदिश सुनते हैं, वही लटोले जी सुलझा जा। Thank you.
तो ये रहा बहुत ही मीठा, अत्यंत मधुर बिहाग। अगले हफ्ते राग परिचय में आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से राग जय जयवंती देखते हैं अगले हफ्ते।